नमस्कार, स्वागत है आपका P24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ नितिन कात्याम। गोकुल के रमणरीति धाम के संत गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए साधु संत इकट्ठा हुए। इस सम्मेलन का आयोजन आगामी चुनावों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वालों पर पलटवार किया और कहा कि 300 मोबाइलों की लोकेशन थी, इसलिए सेना ने उस जगह पर स्ट्राइक की। सेना सबूत दे चुकी है और जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनके डीएनए में ही देश की सेना ने आतंकवादियों को ध्वस्त किया है। अब किस बात का सबूत मांग रहे हो? योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशी कंपनियों के बहिष्कार पर भी जोर दिया और कहा कि यूनिलीवर कंपनी ने हमारे संबंधों का मजाक उड़ाया है। अपनी एक चाय बेचने के लिए विदेशी कंपनियों के संबंध एक समान होते हैं, हमारे लिए संबंध हमारे माता पिता। और चुनाव का वक्त है, हम जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, मत समुदायों के नाम पर ना बटें। हम एक ईश्वर की संतान, एक भारत माता की संतान, एक पूर्वजों की संतान है। सारे मतभेद भुला करके हम एक बने, नेक बने, श्रेष्ठ बने, महान बने और सब मिल करके एक महान भारत बनाएं। यूनिलीवर कंपनी ने हमारे संबंधों का मजाक उड़ाया है अपनी एक चाय बेचने के लिए। विदेशी कंपनियों के लिए हर संबंध एक सामान है, हमारे लिए माता पिता भगवान है। विदेशी कंपनियों के लिए देशिक बाजार है, हमारे लिए देशिक परिवार है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।